पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य की नई चन्नी सरकार पर फिर से हमला किया है इस बार भी सिद्धू के टारगेट पर डीजीपी इकबालप्रीत सहोता और एडवोकेट जनरल एपीएस देयोल ही हैं। सिद्धू ने कहा कि इनकी नियुक्ति पर पंजाब सरकार ने नशा और बेअदबी केस के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़का है सिद्धू ने कहा कि इन दोनों को हर हाल में बदलना होगा वरना हम पंजाब के लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे सिद्धू लगातार इन दोनों अफसरों को हटाने पर अड़े हैं सिद्धू ने इनकी नियुक्ति के बाद ही इस्तीफा दे दिया है